आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन के एंगल से भी बनता है और सबको पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट दो प्रकार में बांटे जा सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक है कमिटेड फिक्स कॉस्ट और दूसरा है डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। कमिटेड मतलब हम बोलना चाह रहे हैं जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कई सारे आपके दोस्त फेसबुक में रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर लेते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस चेंज टू कमिटेड, माने क्या हो गया, अब उसकी जिंदगी में ऐसा कोई आ गया जिससे वो कभी छुटकारा नहीं पा सकता, खलास। ठीक, तो कमिटेड माने ऐसा कॉस्ट जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसका दूसरा नाम है अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। भाई किसी भी सिनेरियो में इससे आप बच नहीं सकते, इनएस्केपेबल कॉस्ट, इनएस्केपेबल कॉस्ट। ओके, जैसे कि एग्जांपल है रेंट, एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, इससे आपका कोई बचाव नहीं कर सकता। आप प्रोडक्शन जीरो कर दीजिए तो भी ये कॉस्ट लगेगा। इन जनरल जो हम लोग फिक्स कॉस्ट मतलब समझते हैं, वर्ड फिक्स कॉस्ट मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आता है वो एक्चुअली कमिटेड फिक्स कॉस्ट ही होता है। वर्ड फिक्स कॉस्ट मतलब कमिटेड फिक्स कॉस्ट, दैट्स ऑल। ठीक, तो बात आती है डिस्क्रिशनरी क्या है। डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट ऐसा समझिए कि ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है, या आप बोल सकते हैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, जिसको आपकी इच्छा हो तो इनकर करो, नहीं तो मत करो। डिस्क्रिशन मतलब होता है इच्छा, इच्छा मतलब समझ, चॉइस, आपका समझ बोलता है करना चाहिए तो करो। ऑब्वियसली आपको फिर जस्टिफाई करना होगा कि इसको इनकर करके फायदा क्या होने वाला ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे एक कंपनी का अपना जो मशीनरी है उससे काम चल रहा है तो उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो अनअवॉइडेबल है। बट वो सोच रहा है उस मशीनरी के साथ कोई एक स्पेशल इक्विपमेंट आता है उसको हम अगर अटैच कर दें तो वो मशीनरी का पावर बढ़ जाएगा, उसका शक्ति बढ़ जाएगा। अगर उस शक्ति बढ़ाने से वाकई में कोई फायदा होता है तो वो इक्विपमेंट जरूर लाइए। तो वो इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन होगा या जो कॉस्ट होगा, आप ऐसे सोचे, इक्विपमेंट का जो कॉस्ट होगा वो अवॉइडेबल और डिस्क्रिशनरी होगा। आपका इच्छा है, चॉइस है, करें, नहीं करे तो भी चलेगा। कमिटेड में नहीं करेंगे तो बिजनेस बैठ जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा। बट डिस्क्रिशनरी में नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे, ठीक, पढ़ा रहे तो मेरे पास तो ऑप्शन था ना कि मैं चौक और ब्लैक बोर्ड में भी पढ़ा सकता था, बट मैंने प्रोजेक्टर लगाया और स्क्रीन लगाया और ये लैपटॉप में आपको लिख के पढ़ा रहा हूं। ये किसका चॉइस है? ये हमारा चॉइस है। क्या ये नहीं होता तो क्लास नहीं चल सकती थी? क्लास ब्लैक बोर्ड में भी चल सकती है, व्हाइट बोर्ड में भी चल सकती है। तो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जैसा कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, बट प्रोजेक्टर का कॉस्ट, स्क्रीन का कॉस्ट, लैपटॉप का कॉस्ट अवॉइडेबल है। अब तो आप क्यों इनकर कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उससे और ज्यादा हम फायदा निकाल सकते हैं। तो फायदा आ रहा है तो ये कॉस्ट इनकर करना जस्टिफाई हो रहा है, करेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल आ गया कोई भी न्यू इक्विपमेंट, या कोई मान लीजिए कोई आप नया स्टाफ, एडिशनल स्टाफ, कैजुअल स्टाफ, कैजुअल स्टाफ जिसको आप कुछ समय के लिए रखेंगे फिर छोड़ देंगे। कैजुअल स्टाफ समझ रहे हैं, कुछ समय के लिए रखिए और फिर उनको छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली हर कॉस्ट के पीछे बेनिफिट होना चाहिए, तो अवॉइडेबल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट के पीछे कुछ बेनिफिट अटैच होगा तभी कोई कंपनी इनकर करता है। इसको अगर हम विजुअली देखना चाहे दोस्तों तो एक तरीका है, एक आप ग्राफ बना के समझ सकते हैं। क्वांटिटी है और समझो फिक्स कॉस्ट है, ये तो आपको पता ही है, ये आपको पता ही है। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व वैसे ही जाता है ना, हाँ। ये फिक्स कॉस्ट जो आप सीखे हैं वो एक्चुअली कमिटेड ही है। ऐसा समझो कि कंपनी ने सोचा कि जब तक हम 5000 यूनिट तक काम कर रहे होंगे हम कोई फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो आप घटा भी तो नहीं सकते हैं, तो जो कॉस्ट है एज इट इज रह जाएगा। फिर कंपनी ने सोचा जब हम 5000 यूनिट का लेवल क्रॉस करेंगे तब हम चला के नया स्टाफ रखेंगे और कुछ नया इक्विपमेंट लाएंगे, उसके कारण फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है देखो
ये थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। अब आगे जो कॉस्ट है वो सारा का सारा कमिटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिशनरी, एक बार डिस्क्रिशनरी तो हमेशा डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट को एक बार इनकर कर दीजिए, उसके बाद वो कॉस्ट भी कमिटेड हो जाएगा। जब तक इनकर नहीं किया वो डिस्क्रिशनरी है, उसके बिना भी काम चल सकता है। जैसे ही इनकर कर दिया, कमिटेड कॉस्ट का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट ले आओगे उसका पैसा तो कोई वापस देगा नहीं, करेक्ट। अब तो उसका जो खर्चा लगना है आगे, वो तो डिप्रिसिएशन जो होना है वो तो होगा ही। जब तक नहीं किया तब तक वो डिस्क्रिशनरी है। ग्राफ बोल रहा है ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट है, ये डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है। बट वंस डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इज इनकर्ड, इट बिकम्स कमिटेड फॉर एवर। हो गया, चलू मैं, फिर मिलेंगे।